try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. Assalamualaikum, good morning. To sab kaise hain? Umeed karti hu sab theek honge, khairiyat se honge. Aur to aaj hai raining Sunday. माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम है और सुबह से बारिश हो रही है और हम फिर से निकले हैं आउटिंग पे बारिश को थोड़ा एंजॉय करने के लिए। देखें माशाल्लाह से हरे हरे दरख्त और कितना प्यारा लग रहा है ये रोड भी। तो हस्बैंड जी ने कहा कि चले हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ही ने नहीं बोला। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया संडे है, सुबह से बारिश हो रही थी और बच्चों के पेपर हो रहे हैं और कल मंडे है तो मंडे के दिन मेरा भी टेस्ट होता है। तो थोड़ी बहुत पेपर की तैयारी की, टेस्ट की तैयारी की और माशाल्लाह से बारिश थम ही नहीं रही है, बारिश लगातार हो रही है। तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग पर जाया जाए, क्योंकि तकरीबन 5-6 दिन हो गए तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हूँ। सिर्फ क्लास, क्लास से घर, घर से क्लास, वहीं पर गई हूँ, बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अर्सा हो गया मैं गई नहीं हूँ बिल्कुल। तो आज सोचा चले जाते। वैसे तो संडे के दिन हमारे यहाँ पे शॉपिंग यानी कि आम मार्केटें बंद होती है, तो अब चेक करते हैं कि मॉल वगैरह ओपन है कि नहीं है। तो मॉल ओपन होंगे तो मॉल में जाएंगे थोड़ी सी। मुझे तो बस मॉल में घूमने के थोड़ा मज़ा नहीं आता। अलबत्त मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है और कौन कहाँ से देख रहा है, कहाँ कहाँ थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ यहाँ पे डिस्टर्ब करेगी, तो गाड़ी की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिए। आप लोग मौसम को एंजॉय कीजिए। मौसम बड़ा ही प्यारा है और सामने से रेलवे स्टेशन दिख रहा है, जिसे देख के ही बस दिल करता है कि बंदा चला जाए कहीं, क्योंकि अभी असल मज़ा तो पहाड़ों में है, असल मज़ा तो पहाड़ों में घूमने का है। तो बस अब बारिश हो रही थी तो हमने ना वैसे के वैसे ही निकला है, घर के कपड़े पहन के यहाँ के चले। अब क्या तैयार शहर हो ना, वैसे ही चले जाते हैं। और क्लास के बारे में सब पूछते हैं तो माशाल्लाह से क्लास बहुत अच्छी चल रही है और बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं। बस मैं भी चाहती हूँ कि इस बार बच्चों के पेपर भी अच्छे से हों, ताकि मुझे भी लगे थोड़ा सा कि मैंने क्लास के साथ साथ घर संभालने के साथ साथ बच्चों की ट्यूशन भी संभाल ली। हाँ, तो ये जगह पहचानी कौन सी जगह है और कौन कौन यहाँ से गुजरता है? और ये तो बड़ी मशहूर जगह है, गल तीन तलवार, पर फिर तो बंद है। जैसे कि संडे को सारी मार्केटें बंद होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए मार्केटें बंद। ये कौन सी मार्केट है? ये DHA मार्केट है और ये मार्केट मॉलों से भी ज़्यादा महंगी होती है। यहाँ पे ना, यहाँ पे पानी भर चुका है, तो हम अपने एरिया की क्या शिकायत करें? डिफेंस में, DHA में, फेज 2 में, सब जगह पानी भरा हुआ है। और यहाँ तो पता है क्या, यहाँ पे बुटीक है, बहुत ही ज़बर प्यारी प्यारी सी बुटीक है, जहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस मिलते हैं, थोड़े से महंगे हैं। और ये बुटीक का पता है क्या होता है? बुटीक का ये होता है ना कि हमें अपने साइज़ के एक्यूरेट ना मिल सकते हैं, जो कि रेडीमेड में अक्सर ये इशू होता है। मुझे तो होता है, क्योंकि एक तो मेरी हाइट की वजह से, थोड़ी सी हाइट की वजह से प्रॉब्लम होती है, दूसरी फिगर की वजह से कि कभी कहाँ से फिट नहीं आ रहा होता है, कभी कहाँ से नहीं आ रहा होता है। तो
में वाइट कलर दिख रहा है। वेट कर रहे हैं सुहाना के पापा का। कहाँ पापा कहाँ गए? पापा गए, अभी बारिश शुरू हो रही है तो पापा ने समझा समोसे का मूल समोसे लेकर आते हैं। और सुहाना के पेपर और है, सुहाना बिल्कुल भी हाँ कल मैथ का पेपर है और सुहाना बिल्कुल भी सुहाना को मैथ समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। मैथ मुझे मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों, बाकी सब्जेक्ट में कर कर लेती हूँ लेकिन ये मैथ मुझसे नहीं होता है। मलिया आपका पेपर हो गया? हाँ इसके तो होते नहीं है। हाँ आप क्या होगी मलिया पेपर में? क्या होगी पेपर में? क्या होगी मलिया बताओ? शीजा कहाँ गई? शीजा इधर आओ शीजा। मलिया हटा पाओ। आपका कौन सा पेपर है आप बताओ यहाँ पे? मेरा भी मैथ ही है। आपको याद है मैथ का पेपर? हाँ पक्का याद है। आप क्या होगी पेपर? शीजा फर्स्ट आएगी, अल्लाह करे शीजा फर्स्ट है। तो बच्चों ने पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, अब देखते हैं। और बारिश तो अभी भी मज़े की हो रही है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इतनी मज़े की बारिश हो रही है और ऐसी बारिश होनी चाहिए। तो ये आ गए हस्बैंड जी मेरे, अब देखते हैं क्या क्या लाए हो आपको। थोड़े से समोसे वगैरह। भाई थोड़े से क्यों लाए हो? ज़्यादा लाते हैं, मुझे ज़्यादा भूख लगी। चलो से अभी तक भरपूर बारिश स्टार्ट है, बारिश हो रही है मसलसल। तो बच्चे गए हैं अपने लिए चिप्स वगैरह लेने के लिए। आयु मलिया ये क्या है नाम बताओ? पूरा हो गया गाड़ी, गाड़ी के वाले का मूड बन चुका है। तो थोड़ा सा सी साइड पे समंदर पे जा रहे हैं और ये देखिए बारिश की बूंद है। और आप जब भी किसी साइड या समंदर किसी भी समंदर में जाए ना तो सुहाना के जैसा लेस पापड़ जरूर लेकर जाए। तो आप लोग जगह देख सकते हैं कितनी सुकून वाली है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है और यहाँ पे भीगने का मजा भी अच्छा है। तो यहाँ पे ना जितना हम अंदर जाते जाएंगे ना तो उतना साफ माहौल आएगा। और बाकी आगे तो इतनी ज्यादा रश है, मैं उठ के नहीं बल्कि सारे लोग सुबह में उठ के आ चुके हैं, तकरीबन आधे आधा घंटे हम लोग। तो भाई मेरी तो लाइफ ऐसी है, नो टेंशन। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करो किसी काम की, नहीं ना खाने की ना पीने की ना काम की ना किसी चीज की, घूमो फिरो। और लोग मुझे ना वैसे भी बहुत ज्यादा पैसे वाला समझते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बाकी बात ये है कि नॉर्मल बंदे हैं, ना तो कोई बंगला है। बाकी गाड़ी इस दौर में मैं तो ये कहूँगी कि गाड़ी सबको लेनी चाहिए, रखनी चाहिए, एक छोटी छोटी गाड़ी रखनी चाहिए कि जिसका ये फायदा है जब दिल करे गाड़ी उठा और निकल जाए। बहुत ही सुकून की चीज़ है, यकीन माने बच्चों से बेहतर है गाड़ी, बहुत ही मज़े की चीज़ है। बच्चों के किराया दो उसके बाद भी कुआरी होती है तो इंसान मगर कोई किसी को दीदे फाड़ के नहीं देखता है क्योंकि यहाँ पे सब ना सेम टू सेम है। हाँ मलिया की कुर्सी तो बहुत ही ज्यादा रोल, आलू का समोसा, रायते का कलर सेम मेरी ड्रेस से मैचिंग है। ये
बस अभी ले लेना। वैसे कोई भूख नहीं थी पर बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा सोचा क्यों ना टेस्ट किया जाए। तो कपड़े दुबले होने का एक फायदा वो भी, जहाँ दिल करे वहाँ बंदा घूम।